हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द SCM, इट्स अ चैप्टर नंबर 1 CA फाइनल। तो देखो यार, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, कैसे काम करती हैं चीज़ें। बेसिकली आपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा, दिस इज़ फॉर द रिविजन पर्पज़। तो स्टडी मैट को एक बार हाथ से निकाल लो, बेस्ट रहेगा ज़िंदगी के लिए भी और बेसिकली एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी, क्योंकि सारा सीन ही बेसिकली स्टडी मैट का है वहाँ पे, वो चीज़ है। हमने जो एग्ज़ाम दिए थे स्टडी मेट से आया था पूरा का पूरा, और वो हाथ से निकाला तो किसी ऑथर की कोई बुक काम नहीं आती। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्त, ट्रेडिशनल कोर्स मैनेजमेंट सबसे बड़ी देख बात क्या है भाई, पहले ट्रेडिशनल चीज़ें चलती थी, आज सब इनोवेशन आ गया। तो ट्रेडिशनल होता क्या था भाई, सबसे पहले ये बात है। ट्रेडिशनल बेसिकली वो था जब आपका जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट था ना वहाँ पे, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एंड ओवरहेड टू द प्रोडक्शन, बेसिकली जो आपके कॉस्ट हैं या ओवरहेड हैं प्रोडक्शन पे एलोकेट कर दिए जाते हैं भाई, ये तो पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट है। और सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन पर, बस कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए और कॉस्ट को रिड्यूस कैसे किया जाए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता था। और ये अंडरलाइंग अजम्पशंस थी, बेसिकली रिड्यूस करते थे कॉस्ट को और बेसिकली ओवरहेड्स को, ताकि फर्म क्या कर सके, बेटर प्रॉफिट कमा सके। इसमें बेसिकली आपको कंपेयर भी किया गया एक्चुअल रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस के साथ, और एनालाइज किया गया डिफरेंस। प्रोसेस को क्या बोलते थे, इस प्रोसेस को बोलते थे वेरिएंस एनालिसिस। एक करेक्टिव एक्शन लिया गया इंश्योर करने के लिए जो फ्यूचर के आउटकम है ना वो बस्टेड आउटकम के हिसाब से हो। अब ट्रेडिशनल कॉस्ट सिस्टम बेसिकली सफ़र कर रहा था अलग अलग लिमिटेशंस के साथ। वो क्या क्या लिमिटेशंस थे, सबसे पहले देखो, इसमें कॉम्पिटिशन को इग्नोर करता है ये। इसके अंदर मार्केट की ग्रोथ और ये सब थे ही नहीं। नोकिया की और सैमसंग का एग्जांपल ले सकते हो, नोकिया ने अपने कॉम्पिटिशन को भापा ही नहीं कि भाई सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स लेके आ रहा है, और उसने मार्केट से खदेड़ के रख दिया सैमसंग ने उसको आने के बाद, वो चीज़ थी। सबसे ज़्यादा फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे दिया जाता था। चाइनीज़ फ़ोन होते थे आपके, उन्हें साला कोई लेना देना नहीं है क्वालिटी कैसी बन रही है, क्या यूज़र इंटरफेस है, बस 200 रुपये में फ़ोन बना के देना है। 200 का बेच रहे हो तो हम कम से कम बेसिकली तुम 50 रुपये में बनना चाहिए, वो चीज़। अरे वो चीज़ें आती थी ना बहुत सारी, खाने की चीज़ें भी तो आती थी। आप अगर बेसिकली लड्डू लेने जाते हो तो कहीं तो बीकानेर से लड्डू लिए तो बेस्ट होते हैं, लेकिन आपने किसी सड़क छाप हलवाई से ले लिए तो उसका क्या रहता है कि बीकानेर अगर 200 दे रहा है तो वो साला 100 देगा, और वो ऐसी मतलब सड़क छाप चीज़ें लगाएगा उसके अंदर, बिल्कुल टट्टी होगा वो सीन। शॉर्ट टर्म आउटलुक थी, बिल्कुल छोटी चीज़ें देखता था, रिएक्टिव अप्रोच थी, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स के डायनामिक्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता था। लिमिटेड फोकस था रिव्यू पे और इम्प्रोवाइजेशंस पे। फोकस बेसिकली ने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पे किया। एक ब्रॉड कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बेसिकली इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रहा था आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में। अगर कंपनी बेसिकली टारगेट करती है ना अपने मार्केट स्पेंडिंग को 20% से घटाने की हर प्रोडक्ट कैटेगरी में, तो बेसिकली सेल्स ऑफ द प्रॉफिट ऐसा इसमें इम्पैक्ट होता है। कोचिंग स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करो, और बिजनेस बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस करता है मैनेज करने के कॉस्ट की, कि कॉस्ट को बेसिकली स्ट्रेटजिकली कैसे मैनेज किया गया, मतलब स्ट्रेटजी लगा के कॉस्ट को कैसे मैनेज करें, वो चीज़ देखी जाती है। आपका धंधा है आज के टाइम पे ऑपरेट करता है एक एनवायरनमेंट में स्टिफ कंपटीशन के साथ, बिजनेस बेसिकली ऑपरेट करता है स्टिफ कंपटीशन के साथ, जिसमें कंज्यूमर की डिमांड है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का, वो अर्न करना होता है बेटर प्रॉफिट्स, कि सबसे ज़्यादा बेटर प्रॉफिट्स कहाँ अर्न किए जाएँ, ये चीज़ें। अब बेसिकली स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट देखते हैं, ये क्या है बेसिकली, एप्लीकेशन है किस चीज़ की। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, एप्लीकेशन है किस चीज़ की, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, लाइक कॉस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो आप उस चीज़ की। ये इंप्रूव करते हैं स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस की, और कंट्रोल भी करते हैं कॉस्ट को। बेसिकली देखो यार, दोनों चीज़ नाम से पता चल रही है, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब एक तो कॉस्ट को मैनेज कर रहा बंदा किस तरीके से स्ट्रेटजिकली। तो कॉस्ट मैनेजमेंट एक टेक्निक है जो बेसिकली स्ट्रेटजिक पोजीशंस को आपकी इंप्रूव करती है और कंट्रोल करती है आपकी कॉस्ट को। इसमें बेसिकली इंटीग्रेट करती है इंफॉर्मेशंस को डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के साथ, और सपोर्ट करती है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। ये कंट्रोलिंग कॉस्ट तक लिमिटेड नहीं रहती, लेकिन इसमें कॉस्ट इंफॉर्मेशंस को भी यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग्स के लिए। अब कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक बेसिकली इंप्रूव करते हैं स्ट्रेटजिक पोजीशन ऑफ बिजनेस को। बेसिक एम क्या है इसका,
हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अचीव करने के लिए थ्रू द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कॉस्ट लीडरशिप। बेसिकली बेसिक एम क्या है कॉस्ट मैनेजमेंट का, कि एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आप बेसिकली अचीव कर सको। किस चीज़ के थ्रू? एक तो भाई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करके, लाइक प्रोडक्ट कितना अच्छा बन रहा है आपका उसको डिफरेंशिएट करा के। दूसरा, आपकी कॉस्ट लीडरशिप कितनी है उस चीज़ को देख के, मतलब ये दोनों चीज़ें आप करके इस चीज़ को देख सको। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट है क्या। ये बेसिकली ग्रेटर फोकस डालते हैं किस चीज़ पे, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट टू डिलीवर द सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। बेसिकली सबसे पहला बोलते हैं कि भाई अच्छा प्रोडक्ट दो, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट दो, वो चीज़ को ये मतलब काफ़ी सराहना करते हैं उस चीज़ की, काफ़ी बोलते हैं कि भाई आप एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करो लोगों को वो चीज़। अब एग्जाम्पल क्या देख सकते हो इसमें तुम, इसका एग्जाम्पल बेसिकली देखो, रेवेन्यू है 60 रुपये की, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 35 रुपये की, और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसमें, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 25 रुपये का, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब ये ओवरहेड आप देखते हो, ओवरहेड है आपका 5 रुपये का, ठीक है। एक चीज़ आ गई आपकी, ओवरहेड है 5 रुपये का, तो नेट प्रॉफिट आ गया 20 रुपये का। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है और ये अप्रोच की गई है ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। चलो अब केस देखते हैं, इसमें केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बेसिकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करना चाहती अपनी मशीन्स की, लाइक जो उसकी मशीनरी है ना उनकी रेगुलर बेसिस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करना चाहती अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए। आप ऐसा मान लो कोई फैक्ट्री है, उनकी नट बोल्ट की फैक्ट्री है, भाई मशीनें हैं मतलब काफ़ी चलती है। आप स्कूटी के एग्जाम्पल ले लो, आपके पास स्कूटी है, अगर ऐसा हुआ आपकी स्कूटी का एक लाइट ख़राब हो गया, आपने बेंचो ठीक ही नहीं कराया, भाई मैं तो कराता ही नहीं, मतलब चलने दो चीज़ें, जब देखी जी तो वो पुष्पा वाला सीन, साला हम झुकेगा नहीं तो हम ठीक कराएगा नहीं वो वाला, तो आपने बेसिकली ठीक ही नहीं कराया, मरने दो भाई, चल चल रहा है सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ठीक है, वो ख़राब होती है, एक हुई दो हुई, मतलब उसके बाद उसकी आपने सर्विस ही नहीं कराई हर 6 महीने में, मतलब 2 साल तक सर्विस है, उसे इंजन बैठ गया बिल्कुल ही, और एक दिन क्या हुआ कबाड़ा हो गया बिल्कुल ही, मतलब आप जा रहे थे और वो वहीं बंद पड़ गई, इंजन गिर गया उसका पीछे, और आप एक हाथ में इंजन एक हाथ में स्कूटी उठा के लेके आ गए। तो ये क्या चीज़ हुई, आपने बेसिकली छोटी छोटी कॉस्ट बचाने के लिए, 300 रुपये की सर्विस की कॉस्ट बचाने के लिए, या बेसिकली लाइट ठीक नहीं रही 100 रुपये की वो कॉस्ट बचाने के लिए, आपने 50,000 या 80,000 की चीज़ का खबाड़ा कर दिया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराना ही नहीं चाहती मशीन्स का रेगुलर बेसिस पे अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए। जो रिपेयर है मशीनरी का वो कैरियड आउट किया जा रहा है जब बेसिकली मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाएगी बिल्कुल ही। ये ट्रेडिशनल अप्रोच थी, पहले करते थे ऐसा, ख़राब होगी जब देखी जाएगी वो चीज़। ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं कॉस्ट रिडक्शन पे और कॉस्ट सेविंग पे, ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। कितने दिन चलेगी मशीन, कैसे निकाल लोगे, कोई नट बोल्ट उसका टूटा हुआ है, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीने में बिल्कुल बोल जाएगी वो चीज़ है। अब नेक्स्ट है, जब मशीनरी बेसिकली ब्रेकडाउन होगी तो वो बेसिकली कंपनी उस केसेस में, देखो अगर आपकी मशीन ब्रेकडाउन पड़ गई उस केसेस में, ये मान लो कि उस मशीन से बेसिकली आपके 10 वर्कर लगे हुए थे उस पर, और 10 मतलब डायरेक्टली 10 लगे हुए थे, इनडायरेक्टली 100 वर्कर्स का काम उसके थ्रू हो रहा था, मशीन से माल बनता तभी पैक होता था, मशीन से माल नहीं बन रहा पैक भी नहीं हो रहा, सारे लोग खाली बैठ गए, तो ऑब्वियस ही बात उन बंदों की सैलरी भी आपको फ्री में देनी पड़ी क्योंकि कुछ काम ही नहीं हो रहा, वो क्या ही करेंगे, काम ही नहीं है तो ऑब्वियस है। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम प्रोडक्शन टाइम और प्रोडक्शन और लेबर टाइम दोनों वेस्ट हुए, तीनों वेस्ट हुए, और आपने बेसिकली रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं कराया, प्लांट शटडाउन हुआ, उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है मशीनरी की वो भी गिर गई। इसमें बेसिकली अगर लॉस ऑफ प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट है तो कंपनी बेसिकली मार्केट शेयर को भी लूज़ करती है अपना, और इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को स्ट्रेटजिक फोकस से देखना। एक टेलीकॉम कंपनी है, क्लोज डाउन हो गई, एक टेलीकॉम कंपनी थी एयरटेल, उसने अपने कुछ सर्विस सेंटर्स को बंद कर दिया कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और उसकी वजह से जो लाइक आपके एयरटेल थी, एयरटेल ने अपने बॉम्बे में 10 सर्विस सेंटर्स को बंद कर दिया, ठीक है। अब उसके क्या बचे, वहाँ पे खाली 3 सर्विस सेंटर्स बचे, उन पे इतना लोड आ गया कि बेसिकली लोगों की क्वेरी सोल ही नहीं हो पा रही थी, तो लोगों ने हार थक के कनेक्शन ही लॉस कर दिया, मतलब कनेक्शन ही जियो में पोर्ट करा लिया अपना। तो यहाँ पे देखो कंपनी का हर तरह से लॉस हुआ, कंपनी बेसिकली पहले क्या थी 10 सर्विस सेंटर्स के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजोल्व कर पा रही थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो समस्या क्या आई है, इसके थ्रू बेसिकली आपके जो कस्टमर्स थे, आपने 10 करोड़ के कस्टमर्स लूज़ कर दिए, तो ये भी बेसिकली आपके रेपुटेशन पे और मार्केट में बात भी फैल गई, भाई एयरटेल तो चूतिया है, मतलब ये चीज़ें करता ही नहीं, मतलब यहाँ से सोल्व हो ही नहीं पाती। तो यहाँ पे क्या है, आपकी हर तरह से यहाँ पे लग गई, आपकी बेसिकली रेपुटेशन भी ख़राब हुई, ब्रांड की इमेज भी गई, और पैसा भी गया, तीनों चीज़ें।
अब एक स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट बेसिकली रेफर क्या बोला जा सकता है, मैनेजियल यूज़ ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन वन और मोर स्टेजेस। बेसिकली चार स्टेजेस होते हैं इसी स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। किसी भी स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में चार स्टेजेस होती हैं, क्या क्या है वो सबसे बड़ी। सबसे पहले बेसिकली आपकी स्ट्रेटजीज़ को बनाना, फिर डेवलप या इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल्स को ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स को देखा जा सके, कम्युनिकेट करना स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, डेवलप और कैरी करना टैक्टिक्स को ताकि स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेसेसिटी क्या है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट की, कॉस्ट एनालिसिस है एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, बेसिकली जहाँ पे स्ट्रेटजी एलिमेंट ज़्यादा एक्सप्लिसिट और फॉर्मल होता है आपके स्ट्रेटजी पोजिशंस को लेने में। कॉस्ट डेटा है जो एनालाइज और यूज़ किया जाता है डेवलप करने के लिए अल्टरनेट मेजर, ताकि आपके सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन हो। आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की, जिसमें सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपकी देखी जा सके। मैनेजरियल यूज़ ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली आपकी चार स्टेजेस में काम करता है, फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोल। हेल्प करता है ओवरऑल रिकनाइज करने में आपकी कॉस्ट रिलेशनशिप्स को अमंग द एक्टिविटी इन द वैल्यू चेन, और बेसिकली आपकी जो मैनेजिंग करता है रिलेशनशिप्स को कंपनी के कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के हिसाब से, ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। अब नेसेसिटी और चेंजेस को देखते हैं कैसी चीज़ें काम कर रही हैं। भाई नेसेसिटी क्या है, कॉस्ट एनालिसिस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बेसिकली कॉस्ट एनालिसिस क्या है काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट है। कॉस्ट एनालिसिस एनालाइज करता है और डेवलप करता है अल्टरनेट मेजर्स को, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। मैनेजरियल यूज़ है बेसिकली कॉस्ट इंफॉर्मेशंस का जो चार स्टेजेस पे काम करती है, मैनेजरियल यूज़ ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशंस है जो बेसिकली चार स्टेजेस में काम करती है, फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। हेल्प करता है ओवरऑल रिकग्निशन ऑफ द कॉस्ट रिलेशनशिप में वैल्यू चेन के अंदर, और बेसिकली रिलेशनशिप्स को मेंटेन करता है वो चीज़। अब कंपोनेंट क्या है स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के, बेसिकली इसमें तीन बिजनेस थीम्स होते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस एंड स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस। स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या है, कंपनी की रिलेटिव पोजीशंस को एनालाइज करते हैं इंडस्ट्री मैटर्स परफॉर्मेंस के साथ। बेसिकली स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या करती है भाई, कंपनी किस टाइप की वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट स्ट्रेटजिक पोजीशन क्या बोलते हैं, कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है एंड कंपनी बेसिकली किस टाइप की वैल्यू क्रिएट कर रही है और कैसे ये वैल्यू डिफरेंट राइवल्स है। अब इस चीज़ को कैसे बोल सकते हो, टाटा जो टाटा का धंधा होता है ना इंडिया में जितना भी होता है सारा एथिकल होता है, लाइक वो तम्बाकू सिगरेट इन चीज़ों में कभी इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वही है कि लोगों को हार्म करके वो लोग कभी प्रॉफिट नहीं कमाते वो चीज़ है। तो इस चीज़ को आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हो इसका कि भाई वो राइवल से कैसे अलग है, वो इस तरह अपने राइवल से अलग है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटजिक पोस्ट जो पोजीशन एनालिसिस है वो कैसे इंटरसेप्टिव होता है, मतलब चीज़ें कैसे देखी जाती हैं वहाँ पे। भाई स्ट्रेटजिक पोजीशन में एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाता है आपका, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, कल्चर, सिस्टम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरह से चीज़ें काम कर रही है। तीसरा क्या आ जाता है कि आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, रिसोर्सेज है या कंपिटेंसीज हैं वो कैसे काम कर रही है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो आप एनालाइज कर सकते हो पेस्टल के थ्रू, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, लीगल फैक्टर, ये सारी चीज़ें। और बेसिकली पोर्टर के पांच फोर्सेस भी इसमें काम करते हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट ड्राइव एनालिसिस, कॉस्ट बेसिकली कॉज और ड्राइव होती है वेरियस फैक्टर्स के द्वारा जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। कॉस्ट कोई सिंपल कॉस्ट एक सिंपल फंक्शन नहीं है वॉल्यूम आउटपुट का, ये बेसिकली जैसे ट्रेडिशनल में देखा जाता था वैसा कुछ नहीं है। कॉस्ट ड्राइव कंसेप्ट क्या है, दो ब्रॉड वेज में बेसिकली देखा जाता है, स्ट्रक्चर कॉस्ट ड्राइवर जिनको स्ट्रक्चर्स किया जाता है, एग्जीक्यूशनल्स एग्जीक्यूशनल्स बेसिकली जिनको एग्जीक्यूट किया जाता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं फर्म की कॉस्ट को और फर्म्स के प्रोडक्ट्स को। फैक्टर बेसिकली ये ड्राइव करते हैं कॉस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से, जो स्केल और स्कोप है ऑपरेशन का वो बेसिकली इम्पैक्ट करता है कॉस्ट को। अगर लार्जर स्केल होगा आपका ऑपरेशन का तो वह एडवांटेज देगा इकोनॉमी ऑफ स्केल के, लाइक जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है, आपने एक मशीन आपकी कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स की है, आपने उससे एक बार में 10,000 बनाए, बिजली उतनी ही लगनी है, सब कुछ लगना है, बढ़िया है, सब कुछ चल रहा है, मशीन है 10,000 कैपेसिटी, आप उसे 100 बना रहे हो, बिजली उतनी ही लगनी है, लेबर उतनी ही लगनी है, सब कुछ उतना ही लगा, लेकिन 100 बन रही है,
वो महंगी पड़ेगी कंपेयर टू 10,000। 10,000 की कॉस्ट आ रही है बनाने की, 1 रुपया पर यूनिट। 100 बनाने की कॉस्ट आ रही है 10 रुपये पर यूनिट। क्यों? क्योंकि कम यूनिट है। तो कोई चीज़ लार्ज स्केल पे होगी तो बेस्ट सी बात है, उसकी कॉस्टिंग में काफ़ी कम होगी। वो चीज़ जो आपके टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशंस की, वो डिटरमाइन करती है आपकी कॉस्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी विद द फर्म। जो आप अलग अलग एक्टिविटी फर्म के साथ कर रहे हो वो भी बेसिकली आपकी इसी हिसाब से डिपेंड करती है। जो एक्सपीरियंस और लर्निंग का वो है वो भी इम्पैक्ट करता है आपकी कॉस्ट को जो इनकर की गई है फर्म के द्वारा। जो एक्सपीरियंस और लर्निंग का होगा वो भी बेसिकली आपकी जो फर्म है या जो भी चीज़ें आपको भेजी गई हैं तो उसको इम्पैक्ट करता है। क्यों इम्पैक्ट करता है वो चीज़ें? क्योंकि बेसिकली उसी हिसाब से चीज़ें यहाँ काम करती हैं। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर क्या बेसिकली फर्म के ऑपरेशनल डिसीजंस पे बेस्ड होते हैं, कि कैसे बेसिकली आपके अलग अलग रिसोर्सेज परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली कैसे आपके रिसोर्सेज हैं वो अचीव कर रहे हैं गोल्स को या ऑब्जेक्टिव्स को। और जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं मैनेजमेंट स्टाइल एंड पॉलिसीज़ के द्वारा। जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स का कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट की तरफ, इंपोर्टेंस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट लेआउट, वो एग्जाम्पल है एग्जीक्यूशन कॉस्ट ड्राइवर्स का। स्ट्रेटजिक एनालिसिस जो भी होता है आपका, या जो वॉल्यूम है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे होती है एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी कोर्स को। ये ज़्यादा रेलेवेंट तब आता है जब आपकी एक्सप्लेन की जाती है कोर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजिक चॉइसेस एग्जीक्यूशन स्किल्स। सारे कोर्स ड्राइवर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ऑल द टाइम्स, और जो कंपनी है बेसिकली वो फोकस करती है ज़्यादा कोर्स ड्राइवर्स पे जो स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस आपकी ज़्यादा जिनमें होती है कोचेस। नेक्स्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस। नाम से पता चल रहा है बेसिकली वैल्यू चेन सप्लाई वैल्यू चेन होती है आपकी जो भी यहाँ काम कर रही है। ये एक प्रोसेस है लाइक बाय विच फर्म आइडेंटिफाई एनालाइज द वेरियस एक्टिविटी डेट एट द वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फर्म आइडेंटिफाई कर लेती है कौन सी चीज़ प्रोडक्ट में वैल्यू एडेड कर रही है कौन सी नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बेसिकली क्या किया, IPL स्पॉन्सर कर दिया कंपनी का पूरा, आपकी ब्रांडिंग हुई सब कुछ हुआ, आपका हर जगह नाम आने लगा TV एडवर्टाइजमेंट में, आपकी सेल्स बढ़ गई, इसने वैल्यू ऐड किया। दूसरा एक और एग्जांपल लिया जा सकता है, आपने बेसिकली अपने ऑफिस के सामने गड्ढा खुदवा दिया, उसने वैल्यू तो कोई ऐड नहीं की, वैल्यू घटा कर दी। ये चीज़ बेसिकली इसका एनालिसिस हेल्प करता है वैल्यू चेन का कॉस्ट लीडरशिप में, और इम्प्रूव करने हैं प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन को। आपको ये पता चल गया कि आपके प्रोडक्ट यंगस्टर्स काफ़ी फॉलो करते हैं, तो आपने यंगस्टर्स स्पेसिफिक को प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, आपकी वैल्यू ऐड हुई। क्योंकि जैसे बोट के कुछ एयरपोर्ट्स आते हैं या कुछ हेडफोन्स आते हैं जो मार्वल्स वाले होते हैं, मार्वल सीरीज पे बेस्ड है या इटरनल सीरीज पे बेस्ड है, बेसिकली यंगस्टर्स काफ़ी खरीद रहे हैं उनको, इसलिए उन लोगों ने उस चीज़ में वैल्यू ऐड करके उसको उसी हिसाब से कस्टमाइज़ किया। ये चीज़ नेक्स्ट देखते हैं, जो कंसेप्ट्स हैं टूल्स हैं टेक्निक है वैल्यू चेन एनालिसिस की, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है। सबसे पहले आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, बेसिकली इसमें दो चीज़ों का आपका आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले आपकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या बोलते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक आपके, ये एक्टिविटी बेसिकली कंसर्न्स होती है रिसीविंग स्टोरिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। बेसिकली आपने जो आपका रॉ मटेरियल है उसको बेसिकली आप कहाँ तक ले गए, प्रोडक्शन प्रोसेस तक ले गए, वहाँ तक एक्टिविटी सीमित है। तो ये चीज़ है। ऑपरेशंस क्या हैं, आपने ट्रांसफॉर्म किया इनपुट को फाइनल प्रोडक्ट्स में, वो चीज़। आउटबाउंड क्या है, आउटबाउंड बेसिकली आपने कलेक्ट स्टोर डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री लाइन से लेकर एंड कंज्यूमर तक, वो क्या है आपकी आउटबाउंड लॉजिस्टिक है। मार्केटिंग एंड सेल्स क्या है, बेसिकली आपको तरीके प्रोवाइड किए गए जिसके
थ्रू कस्टमर क्या अवेयर हो रहा है प्रोडक्ट के बारे में, और जो एक्टिविटी है आपकी एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल सिलेक्शन, सेल्स फोर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे की। सर्विसेज क्या है? एक्टिविटी बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज के, लाइक इंस्टॉलेशन, रिपेयर एंड द पार्ट रिप्लेसमेंट, ये सारी क्या है सर्विसेज हैं। प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू चेन में होती क्या है? सबसे पहला इनबाउंड लॉजिस्टिक है। इनबाउंड लॉजिस्टिक इन द सेंस कि आपकी बेसिकली एक्टिविटी हैं जो मटेरियल हैंडलिंग और वेयर हाउसेस, लाइक हमें किस हिसाब से मटेरियल को हैंडल करना है और कैसे वेयर हाउस हमें मेंटेन किया जाएगा, वो चीज़ है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है रॉ मटेरियल को सप्लायर के प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग से लेके फैक्ट्री तक। लाइक आपका जो रॉ मटेरियल है वो खेतों से प्रोसेस हो रहा है और सप्लायर के प्लेस ऑफ प्रोसेसिंग लाइक फैक्ट्री तक आके, लाइक खेतों से कपास आपने निकाला और वो बेसिकली प्रोसेस फैक्ट्री में आके रुई बन गया, तो वो चीज़ तक बेसिकली आपका ट्रैक करता है ये चीज़ होता है। सो नेक्स्ट है ऑपरेशंस। ऑपरेशन बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज जो आपके रॉ मेटेरियल को कन्वर्ट करती है एक प्रोडक्ट में, लाइक कपास से रुई बनाई तो सारे ऑपरेशन उस पर जितने प्रोसेस की गई ऑपरेशन है। अब आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो एक्टिविटी बेसिकली इन्वॉल्व होती है मूवमेंट में, रेडीमेड गारमेंट्स आप बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल से ऑर्डर प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू दे रहे हो, तो हो गया आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक। मार्केटिंग या सेल्स, ये एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है डिमांड क्रिएशन के लिए। नेक्स्ट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स सर्विसेज, ये बेसिकली वही है सपोर्ट एक्टिविटी जो धंधे को सपोर्ट करने में, प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें होती हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है यार पूरा। वैल्यू शॉप क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वैल्यू शॉप वाला। बेसिकली अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, वैल्यू चेन की। प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म के लिए, सीए फर्म है वहाँ बेसिकली कोई ऐसा सामान तो बन नहीं रहा, तो ऑब्वियसली बात वहाँ आपकी वैल्यू चेन एनालिसिस लगेगी, लेकिन वो प्रोफेशनल फर्म है वहाँ पर वैल्यू शॉप लगेगा। इसका एम क्या होता है? कंपनी जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनको सर्व कर रही है। इसमें बेसिकली कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, और जो डील करता है आपकी प्रॉब्लम के साथ और फिगर आउट करता है मेन एरिया जहाँ पे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। लाइक पहले आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा, फिर वो एरियाज फिगर आउट करेगा जहाँ पे हमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से सोल्यूशन देगा। जैसे बेसिकली आपको लेनोवो का लैपटॉप ख़राब हो गया और आपको ठीक कराना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि रिमोट एक्सेस से ठीक हो जाएगा या बेसिकली आपके घर आके ठीक करेंगे, कितने पैसे लगेंगे, सारी चीज़ें। तो वैल्यू शॉप वही है, इसको बेसिकली क्या करता है, सोल्व करता है कस्टमर की प्रॉब्लम को, रेदर देन क्रिएटिंग द वैल्यू प्रोड्यूसिंग द आउटपुट फ्रॉम द इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। ये बेसिकली सोल्व करता है कस्टमर की वैल्यू को, प्रॉब्लम को, सॉरी, कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ये बेसिकली बेस्ट अप्लाई होता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ पे और इंश्योरेंस कंपनीज़ पे, बैंक्स पे, जो बेसिकली आपकी फ़ोन बैंकिंग के थ्रू या और भी चीज़ है, बेसिकली हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है जो कस्टमर केयर सर्विसेज का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क क्या है वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए? वैल्यू चेन एनालिसिस में बेसिकली इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, वैल्यू चेन एनालिसिस में बेसिकली इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी और एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है, दोनों होती है। और जो वैल्यू चेन एनालिसिस है उसमें स्ट्रेटजिकली फ्रेमवर्क चाहिए ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन को। आपको एक स्ट्रेटजिकली फ्रेमवर्क चाहिए कि आपकी जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है उनको ऑर्गेनाइज सही से किया जा सके। तीन बेसिकली जनरली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क होते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस में, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस और सेगमेंट एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली आपको हाई प्रॉफिट अपना कमाना है कि इंडस्ट्री बड़ी है, लेकिन इसमें पांच छह फोर्सेज हैं जो बेसिकली सजेस्ट करती है, पोर्टर्स फाइव मॉडल इसको बोलते हैं, वो चीज़। इंडस्ट्री बड़ी है इसमें आप कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये चीज़ बता रहे हैं, बहुत आसान है यार, ये देख सकते हो। नेक्स्ट है केस स्टडी है, ये बेसिकली केस स्टडीज़ वगैरह है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये करने में, बेसिकली आपको ये काफ़ी हेल्प करती हैं एग्ज़ाम सोल्व करने में, तो ये केस स्टडीज़ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट है इनको बाद में कवर करेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस बेसिकली एक यूनिक स्किल है। कोर कॉम्पिटेंसी, गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, मतलब देखो सिंपल बताता हूँ, गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कि वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा, बेसिकली उसकी यूनिक स्किल्स क्या है, आपको रिजल्ट्स देगा फटाफट। गूगल की कोर कॉम्पिटेंसी ये है कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो फटाफट प्रोवाइड किए जाएंगे बिना किसी एक्सेस डिनाइड के, बेसिकली अब वो बेस्ट रिजल्ट देगा कम टाइम में, ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। तो कोर कॉम्पिटेंसी वही है,
आपकी, या क्या बोलते हैं, एप्पल की कोर कंपेरिजन से क्या है, बेसिकली आपको बेस्ट सर्विसेज दी जाएंगी। उसके पोस्ट प्रोडक्ट हैं, सिक्योर प्रोडक्ट है, वो कभी हैंग नहीं होंगे या बेसिकली उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका कैमरा बेस्ट है, तो वो चीज़ है कोर कंपिटेंसी। इसमें बेसिकली कोर कंपिटेंसी दो सोर्सेज से आती है, एक तो आपके रिसोर्सेज हो गए, एक तो आपके जो कोर कंपिटेंसी है आपकी दो सोर्सेज से आती है, एक तो आपके रिसोर्सेज हो गए, आपके रिसोर्सेज इतने बेटर है कि मतलब वो किस चीज़ को कम्पीट कर ही नहीं सकते, या दूसरी आपकी कैपेबिलिटीज़ आ गई, कंपनी की एबिलिटी है कोऑर्डिनेट करने की रिसोर्सेज को और उन्हीं के हिसाब से उनको एक बेसिकली प्रोडक्टिव यूज़ में लगाने की, वो चीज़ आपके पास रिसोर्सेज उनको यूज़ कैसे करते हो वो मैटर करता है। नेक्स्ट सेगमेंट एनालिसिस, जैसे कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसे सेगमेंट है बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट, कॉस्ट सेगमेंट, ये चीज़ें, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे और वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम्स निकालोगे, वो सारी चीज़ें। तो आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं, आगे यहाँ से शुरू करेंगे सुपीरियर परफॉर्मेंस एनालिसिस से, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।